मेरी अभी अभी लॉयर से बात हुई थी, उसने कहा कि अगर किसी बच्चे को गोद लेना है तो शादीशुदा होने से हेल्प होगी। What? अरे मोरी गंगा मैया, इका मतलब तुम मोनू को गोद लेने के लिए ये सब कर रहे हो? हाँ माँ, अम्मा मोनू भी हमारी जैसी एक फैमिली डिजर्व करता है, माँ बाप वंश जैसा ब्रदर। मैं मोनू को अपना बेटा बनाना चाहता हूँ, उसे अपना नाम देना चाहता हूँ। मोनू अखिलेश पांडे। सच में तुम्हारा पापा बनूंगा। आखिर हमने गुल्लू के दिल को ही बच्चे के प्यार ने पिघला दिया। धन्य हो गए आप प्रभु, धन्य हो गए। समझ में कुछ नहीं आ रहा है भाभी जी, ये अचानक से अखिलेश को हो क्या गया? वैसे तो बच्चे पसंद भी नहीं है ना, तो अचानक से मिश्री को अडॉप्ट करने का ख्याल कैसे आया उसके दिमाग में? हीरा तू क्यों भूल जाती है, मिश्री उसकी बेटी है, बेटी और खून में बहुत ताकत होती है हीरा। नहीं नहीं भाभी नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। अखिलेश चाहे वो गुरिका से शादी कर ले या किसी और को अडॉप्ट कर ले, पर मिश्री नहीं। मैं अभी जाके अखिलेश के सामने सब सच बोल दूंगी। बस बहुत हो गया, मिश्री को अपने आप से दूर नहीं होने दे सकती। पागल हो गई है क्या? बेवकूफों जैसी बातें मत कर। अगर अखिलेश को पता चल गया कि मोनू असल में मिश्री है तो ये भी तो हो सकता है कि अखिलेश तुरंत उसको वो बाबा के हवाले करने ले जाए। शांत, रिलैक्स। तू अभी हॉस्पिटल जा और वहां जाके अपने पेशेंट्स के साथ कुछ वक्त बिता। तेरा मन यहाँ से डाइवर्ट होगा, मैं कुछ ना कुछ हल निकाल लूंगा। प्लीज हीरा। नहीं भाभी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं कुछ करता हूँ, आई प्रॉमिस। प्लीज करना चाहता है ताकि उस स्टूपिड मोनू को अडॉप्ट कर सके। शादी के बाद में उस स्टूपिड लड़की की मॉम नहीं बनना चाहती। ओ कम ऑन कुनिका, स्टॉप एक्टिंग फूलिश। प्रैक्टिकली सोचो,
तुम हमेशा से यही चाहती थी ना कि ग्लू बेटा तुम्हारा हस्बैंड बने, राइट? रिमेम्बर? हाँ दी, लेकिन शादी करने के लिए मैं इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकती ना। ये आंखों पर पट्टी लगाकर इस तरह ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या कर रहे हो तुम? जस्ट लुक एट द स्टेयर्स। मैं मामू और मोनू के साथ गेम खेल रहा था। ओह माय गॉड, माय पुअर बेबी। अगर तुम स्टेयर्स से इस तरह रोल होकर गिर जाते तो वैसे भी तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं रहा है। मामू और मोनू अपने अपने काम में बिजी है। ग्लू बेटा मोनू को अडॉप्ट कर लेगा, फिर तो ऑब्वियसली वो दोनों तुम्हें इग्नोर तो करेंगे। दी, इसका मतलब मामू मुझसे प्यार नहीं करते? ओह हनी बंस, रेहू ना दी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। तब के लिए तो धाग बंस, कहाँ चली गई थी तुम? आज तुम्हारी वजह से मैं सीढ़ियों से गिर जाता। सॉरी सॉरी, मुके मुंकल खास रहे थे तो उनको पानी देने गए थे। ये देखो क्या लाए हैं, मुकेम्बो अंकल से उनकी फोटो मांग कर लाए। नो वेस, ये फोटो मेरे बेड के पास लगेगी क्योंकि ये मेरे मामू हैं और तुमने इन्हें मेरे से चुराया है। छोड़ो, ये अपने मामू हैं। नहीं, ये मेरे मामू हैं। ऐसे काहे कर रहे हो? मुकेम्बो अंकल अपने बापू बनने वाले हैं ना। बस कर यार रीरा, पक गया हूँ तेरी गालियाँ सुन सुन के। हाँ, हो गई गलती की जो मैंने तुझे अकेले से मिलवाया। छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो बस, नहीं छोड़ूंगा। बस हम कह रहे हैं छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे मामू है, छोड़ो। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर क्यों चल रहा है यहाँ पे? सुपरमैन अंकल, इसे कह दो कि ये मेरे मामू है। ये फोटो मेरे बेड के पास लगेगी। सुपरमैन अंकल, ये हमारे बाबू बनने वाले है ना, इनकी फोटो हमारे बिस्तर के पास लगेगी। हम सही कह रहे हैं ना सुपरमैन अंकल? नहीं, ये मेरे मामू है। इस प्रॉब्लम का मेरे पास एक सलूशन है। जब तक तुम दोनों लड़ना बंद करके फिर से दोस्ती नहीं कर लेते ना, तब तक तुम इस कमरे में बंद रहोगे। तुम छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा। बस ये तुमने कहा क्या? देखो तुमने मुझे से कहा होगा। ये सब मैंने नहीं, ये सब तुमने किया है। हे बजरंगबली, ये कहा हो गया? डोंट वरी मिश्री, तुम ये पकड़ो। ये देखो, ये ग्लू है। चलो अब इससे बनाए। नहीं, ये फोटो तुम ही रख लो क्योंकि ये तुम्हारे होने वाले डैड भी तो हैं। देखो, हम दोनों कितनी छोटी सी बात पर लड़ रहे थे। एक्चुअली मुझे तो खुश होना चाहिए कि ये मामू तुम्हारे डैड बनने वाले हैं और तुम मेरी सिस्टर और तुम हमारे भैया। कैसे हो गए? वो सुपरमैन अंकल ने हम दोनों को सजा दी थी क्योंकि हम लड़ाई कर रहे थे ना, इसीलिए। इतनी मस्ती करने की एनर्जी आती कहाँ से है? बताते हैं, चलिए हमारे साथ छुपा छुपी खेलते हैं। अरे नहीं, अभी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है, लेकिन आई प्रॉमिस थोड़ी देर के बाद। ओके बस चलो, हम दोनों कैच कैच खेलते हैं। का तो ये समझ में नहीं आ रहा है, आखिर गुल्लू के पास तलाक के कागजात कहाँ से आए? अभी तक तो गुल्लू और कुनी का बिटिया की शादी भी नहीं हुई है। कहीं कौन वो लड़की?
अगर ऐसा होता तो तुम गुल्लू आम का जरूर बताता। कौनो ना कौनो बहाना बना के गुल्लू से पूछना ही पड़ेगा। डूडो मॉर रूम का मतलब होता है मुर्दा घर। मैं वहां नहीं जाऊंगा, कोई भूत आ गया तो। अरे आ जाओ, कुछ नहीं होगा। हम जो मंत्र बोल रहे हैं उसे बोलो। जाल तू चलाल तू आए भला को टाल तू। ये तो बहुत डिफिकल्ट है। इन द नेम ऑफ द फादर इज सन एंड द होल स्पिरिट। चलो तो बहुत ऊंचा है, अब क्या करें? हाँ हम तुम्हारे ऊपर चढ़ जाते हैं, आओ तुम घोड़ा बनो। ओके फाइन, कम से कम मुझे मुर्दा घर के अंदर तो नहीं देखना पड़ेगा। तुम हमारे दोस्तों का इतना डरपोक बन रहे हो? लेकिन ये दोनों लड़का ही रहे, लड़ाई कर रहे, लगता है दोनों की इकट्ठे हो गई है। ये दोनों को लड़ाई करने से कैसे रुकना है हमको पता है, हम वो नीचे उतारो। बस जब हम दोनों लड़ाई कर रहे थे तो सुपरमैन अंकल ने हम दोनों को कमरे में बंद कर दिया था, और कमरे में बंद रहकर हमारी लड़ाई खत्म हो गई थी। अब वैसे ही कमरे में बंद रहकर मापू एंड केमो अंकल की लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। वाओ, तुम मेरे साथ रह के एकदम स्मार्ट बन चुके हो। बंस, एक काम करते हैं, हम कुएं ना उका यहाँ लाते हैं और उनके ऊपर चढ़कर देखते हैं, और फिर तुमका घोड़ा भी नहीं बनना पड़ेगा। चलो चलो। कर रहे हैं क्योंकि वैलेंटाइन डे वाले दिन मापू और मुकेमो अंकल ने एक दूसरे को आई लव यू तो बोल दिया था, लेकिन मुकेमो अंकल सारे दिन खलनायिका आंटी के साथ रहे थे ना, इसीलिए। फाइट तो इस बात पे भी हो सकती है ना कि तुम ज्यादातर प्यार तुम्हारी मॉम से करते हो या मामू से करते हो। प्लीज जीजस, मामू की शादी उस खलनायिका आंटी से मत करवाना प्लीज। I'm so happy with my shadi ka shopping. It makes me happy so much. ये क्या था? हाँ, मेरा प्लैटिनम का सेट, ये मेरा गोल्ड सेट, मेरी डायमंड ज्वेलरी, मेरे नए शूज, अखिलेश का सूट और हाँ मेरा लहंगा। ओह हाय दी। हाय, इतनी सारी शॉपिंग, तुम तो सारे पैसे लुटा रही हो। कू ऑफ कोर्स लुटाऊंगी, यू सी मेरे होने वाले हस्बैंड ने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड जो दिया है। ऑब्वियसली सीरियसली, दैट मींस अभी तुम्हारे पास वो क्रेडिट कार्ड है? यू नो व्हाट आई मीन।
बहुत टाइम से मैंने शॉपिंग नहीं की है. But I'm so sorry, दी. जब तक शादी नहीं होगी आपको कुछ नहीं मिलेगा, you know? That's not fair, Koo. You wanna see what I bought? देखो देखो बतिया. तुम कब आई? मम्मी जी. जी तेरा. अरे तुम तो गुल्लू से मिलने गई थी ना बतिया? हाँ मम्मी जी, हम मिले ना. इनफैक्ट शादी की शॉपिंग के लिए अखिलेश ने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दिया, तो मैंने उसके लिए भी डिजाइनर सूट लिया है. मैं बस उसके रूम में रख के आती हूँ. अच्छा अच्छा. गुड मॉर्निंग मैम. ओह डॉक्टर शक्ति, ऑफ कोर्स आप मुझे भूले नहीं होंगे. डिवीना पांडे, मिसेस डिवीना पांडे, ब्रजेश पांडे इज वाइफ. कैसे हटो. Good morning. How to do? Best wishes. Gulu ke baapu wife, Akhilesh Pandey, hospital trusting. It's not trusting. It's trustee, FYI. काहे कुड़ कुड़ के इतरा रही हो? जोन काम के लिए यहाँ आए हैं वो तो करे, पहले ही तो पता करे कि गुलू कौन महिला के साथ ही आया है. Of course. Come on. अखिलेश पांडे. मैम मैं भी उन्हें ही ढूंढ रही हूँ. एक्चुअली उनका फोन था मेरे पास, मुझे वापस करना था. तो हम कहीं फोन दे दो. यस मैम. हाँ हम ढूंढ के दे देंगे. गुलू कौन महिला के साथ ही आया हो? आई डोंट नो दैट. अखिलेश कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें. लंबी लंबी सांसें लेते रहो, कोई ना कोई आ जाएगा. पुष्पाया पूरा हॉस्पिटल छान मारा, लेकिन ग्लू बेटा कहीं नहीं मिला. मुझे तो लगता है कि ग्लू बेटा किसी लड़की के साथ इस हॉस्पिटल में है ही नहीं. ये सब स्टुपिड मोनू का एक स्टुपिड प्रैंक था. ए चुप रहो ना तुम. वो मोनू कभी झूठ नहीं बोल सकता. Like seriously? और नहीं तो का? ग्लू जरूर ये अस्पताल में है. ये का फोन हमारे हाथ में है और वो भी किसी लड़की के साथ है. अरे कहाँ है? सारा अस्पताल तो देख चुके हम देवी ना, केवल वो गली बची है, वो जाके देखे. ए भैया रुको तो, वहाँ कहाँ है? वहाँ मार्ग है. मार्ग है? कौन सा मार्ग है? मार्ग नहीं, मार्ग. मार्ग. Oh my God, it's not मार्ग, it's morgue, morgue. Morgue, मार्ग, morgue, मार्ग का कहाँ है? मार्ग यानी मुर्दा घर. That's right. मतलब गुलुआ होगा? हाँ. वहाँ कोई नहीं जा सकता. कहाँ है? वहाँ का टेम्परेचर कंट्रोल खराब है, वहाँ तो खड़ा होना भी मुश्किल है. Excuse me. जितना पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब दो. ओके ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हम इस हॉस्पिटल के ट्रस्टीज हैं. सॉरी मैम. हमें वो मॉल देखना है. चलो और खोलो दरवाजा. कम ऑन पुष्पा. ए रुको तो. ए मैडम. अखिलेश आंखें खोलो, प्लीज जाओ. अखिलेश लंबी लंबी सांसें लो, कुछ नहीं होगा तुम्हें. Shut up, will you? Mogru, there you go.
माय गॉड, दिस इज फ्रॉस्टेड। देखा कितनी ठंड है अंदर, यहाँ कैसे कोई हो सकता है? मेरी बात मानिए, चलिए एक बार देख ले भैया। मैडम कोई फायदा नहीं अंदर जाने से। अरे कहा दरवाजा खोलो तो खोलो, दैट्स इट। ठीक है मैं खोलता हूँ। पूरा अस्पताल देख चुके हैं, गुल्लू मिला नहीं, हो सकता है यहाँ हो। मैडम मैं एक वार्ड बॉय हूँ, मेरे हाथ में इतनी पावर नहीं है। चलिए देख लीजिए। चलिए मैडम यहाँ से, कोई नहीं है यहाँ, वरना हम सबकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैडम मेरी बात मानिए, चलिए मैडम। उसके राज से रिलेटेड कोई बात है। पुष्पा, 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 उठो, उठो, पुष्पा, उठो, उठो, सुनो मैं। ओह गॉड, पुष्पा। अब पता क्या? अभी मुझे कॉल आया, शुभ समथिंग। उसने कहा कि मोनू के राज के बारे में अगर कुछ जानना है तो जल्दी से नीचे आ जाओ। और मैं ना नीचे आई तो देखा क्या कि मोनू छुपते छुपाते इतनी रात गए घर से बाहर जा रहा था नीचे। मेरे को फॉलो है, चलो उठो, चलो। अरे का हो, का गया है तुमका, दिमाग खराब हो गया है? का कहना का चाह रहे हो? हाँ हुआ का है, मैं समझाती हूँ ना, तुम बस चलो चलो। अरे सुन, अरे दबीना रुको तो, चलो 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 दबीना। ए पक पक, ये मोनू बिटवा जो है हर सुबह हमारे लिए मंदिर में फूल लाने जाता है, अभी भी वही गया होगा। ओ शट अप मुझे पुष्पा, फूल नहीं हमें ब्लडी फूल बना के जा रहे हैं। देखो माँ, मापू, मापू कहाँ है आप? देखा माँ, माँ माँ क्या कर रहे हैं, किसे बुला रहे हैं? ये तो अनाथ है, राइट? Sit down. मुझसे तो रहा ही नहीं गया, इसलिए आ गए। सारी बापू, हम थोड़ा बिजी थे ना इसलिए। संभालो अपने आप को। कोई बात नहीं, तो आखिर तुमने अखिलेश को अपना बापू बना ही लिया। हाँ बापू, हमने तो वही किया ना जो आपने हमको कहा था। लेकिन फिर भी क्या, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आखिर तुमने अखिलेश को अपना बापू बनाने के लिए मना ही लिया। सच मापू? आखिर हमारा प्लान जो कामयाब हो गया। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, आखिर तुम्हारी रगों में मेरा खून जो दौड़ रहा है। शी, अब देखना
जैसे तुमने सबका दिल जीत लिया है, ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। चलो जाओ तुम, इससे पहले कि तुम्हें कोई देख ले, तुम अंदर जाओ। सच बापू, हम अंकल को बापू बुला सकते हैं? ठीक है। सॉरी मिश्री, मैंने जानबूझकर मोटी बा को यहाँ बुलाया था कि वो हमारी बातें सुन ले और गलत समझे और फिर वो तुम्हें अडॉप्ट करने के खिलाफ हो जाए। अब देखना अखिलेश, मैं तुम्हारी पत्नी ना रही तो क्या हुआ, मेरा बेटा मुझे तुम्हारी इस दौलत तक पहुंचाएगा। अब तैयार है ना अखिलेश, जल्द ही मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आने वाली हूं।